नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप देख रहे हैं बेरोजगार आज। ये दोस्तों, बॉलीवुड की गलियों में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि दिल शॉक हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ अभय 3 का ट्रेलर देखने के बाद। अभी अभी मैंने देखा यार, कुणाल खेमू का अभय 3 क्या दमदार है। जी पर आने वाला है, 2 सीजन इसके आ चुके हैं। और ट्रेलर देखने के बाद मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि इस बार मजा 3 गुना होने वाला है, क्योंकि एक जो कास्टिंग है इस बार वो बेहद शानदार, कमाल की। आपको कुणाल खेमू मिलेंगे, आपको विजय राज, राहुल देव, तो मजा तो आने वाला। आप इसमें जब ट्रेलर की बात करें, जब आप ट्रेलर देखते हैं कि उसमें वो क्रिस्प होना चाहिए, वो बांध के रखने वाला होना चाहिए, वो आपको पकड़ के रखने वाला होना चाहिए, तो इस ट्रेलर में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। वेल टू डू ट्रेलर है, जिस तरह का होना चाहिए। राहुल देव का एक लुक दिखाने से लेकर, एक गन हाथ में लेकर, बड़ी वाली गन, वो बेहद शानदार है। प्लस जब एंट्री होती है विजय राज की और वो डायलॉग मुक्ति, ओहो, मतलब मजा आ गया। और वो जो आंखों से, वो फैबुलस है, मतलब बहुत ही कैम एंगल जो है बहुत बारीकी से इस्तेमाल किया है। मजा आया है ट्रेलर देखने में, अच्छा लगेगा ट्रेलर आपको। और अब उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन जब आप ऐसा ट्रेलर देखते कि अब जब आप सीरीज देखें तो वो भी आपको ऐसी ही मिले, वेल टू डू मिले, ताकि आपका जो मजा है, जो एंटरटेनमेंट आप देखना चाहते हैं, वो आपको देखने को मिले एक मर्डर मिस्ट्री में। डैशिंग कॉप अपने कुणाल खेमू, यार 2 सीजन में बेहद शानदार काम किया था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल खेमू एक अंडररेटेड आर्टिस्ट भी है बॉलीवुड में, और एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, बंदा मेहनत करता है अपने रोल के लिए। और वो अभय के 2 सीजन और ये 3रा सीजन है, ट्रेलर में तो दिख रहा है। अब जब कहानी आएगी, देखने में दमदार कितनी होगी ये पता लगेगा, लेकिन ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सुपर्ब है। इसको अगर मार्क्स देने हो तो यार 5 में से इसके लिए बनते हैं 4 मार्क्स, बाकी वेट एंड वॉच जब आता है क्या होगा। लेकिन अगर आपने देखा तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, और क्या आप एक्साइटेड हैं मेरी तरह, वो भी बताना।